जय श्री महाकाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं दुर्लभ कश्यप के बारे में एक काल्पनिक घटना सुनाऊंगा जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बताया जाए। दरअसल आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप यदि पुष्पा मूवी देखता, आप में से बहुत सारे लोगों ने पुष्पा मूवी देखा होगा जिसका कि सबसे फेमस डायलॉग था, मैं झुकेगा नहीं साला। तो दुर्लभ कश्यप यदि इस फिल्म को देखता तो कहीं ना कहीं इसका असर दुर्लभ कश्यप के ऊपर अवश्य पड़ता, और दुर्लभ कश्यप के ऊपर क्या क्या असर पड़ता तो वो आज के इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूँ। दरअसल आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप जो कि बचपन से ही निडर था, कभी भी किसी से डरता नहीं था, यहाँ तक कि पुलिस वालों से भी नहीं डरता था। यदि बात करूँ पुष्पा मूवी का, तो पुष्पा मूवी में जो हीरो हैं वो भी बिल्कुल पुलिस वाले से नहीं डरते हैं, और वो जिस तरह का काम करते हैं वो बिल्कुल खतरनाक काम है। दरअसल आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप भी खतरनाक काम ही करता था। दुर्लभ कश्यप कभी डरता नहीं था और जो भी करता था अपने मर्जी से करता था। इस मूवी में यदि आप देखोगे तो आप देखोगे कि पुष्पाराज जो हीरो है वो भी कभी किसी से डरता नहीं है, और हीरो का नाम है अल्लू अर्जुन, तो आपको पता ही होगा। दरअसल आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन का जितना ज़बरदस्त एक्टिंग रहा है, ठीक उसी तरह से रियल लाइफ में दुर्लभ कश्यप का भी एक्टिंग रहा है, और दुर्लभ कश्यप भी नहीं डरता था। जिस तरह से आप देखोगे कि पुष्पा मूवी में किस तरह से लाल चंदन का स्मगलिंग होता है, ठीक उसी तरह से यदि दुर्लभ कश्यप भी इस मूवी को देखता तो वो कुछ ना कुछ नया दिमाग अवश्य लगाता अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इस मूवी का कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप के ऊपर असर तो पड़ता। और आपको बता दूं कि जिस तरह से पुष्पा मूवी में आप देखोगे कि हीरो जिस तरह से लड़की से लव करता है, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को देखने के बाद दुर्लभ कश्यप भी किसी न किसी से अवश्य लव करता, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है कि वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंसा था, तो ये बात था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं यदि वो पुष्पा मूवी देखता तो पक्का किसी न किसी से प्यार कर बैठता। तो बस यही चीज़ है, यह एक काल्पनिक वीडियो है, बस एंजॉय कर लेना। और कमेंट में लिखना जय श्री महाकाल, में कभी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ। तो मस्त रहना, स्वस्थ रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिखना जय श्री महाकाल। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।